नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए फर्स्ट ईयर के दोस्तों हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर के मोस्ट क्वेश्चंस या फिर गेस्ट पेपर के। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने जितने पेपरों का एनालिसिस किया उसमें से दोस्तों 56 से लेकर 68% तक के जो दोस्तों क्वेश्चंस है वो हमारे पेपरों में से मिले हैं। आप जाकर दोस्तों अन्य पेपर्स देख सकते हैं। और आपको दोस्तों मैं सबसे पहले तो हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा की तरफ से आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। और दोस्तों आपका जो कल लास्ट एग्जाम है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा जाए, यदि हमारा प्रयास और आपकी दोस्तों किस्मत अच्छी रही तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं केवल दोस्तों आप इस पेपर को पढ़कर पास ही नहीं बल्कि अच्छे प्राप्तांक भी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर देते हैं MGSU बीकानेर के बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य सेकंड पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर गेस्ट पेपर की। दोस्तों यहां पर जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं वो लगभग लघुत्तरात्मक प्रश्न की तरह होंगे। 10 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको कुल यहां पर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो व्याख्या से संबंधित होगा, बाकी क्वेश्चंस दोस्तों हम आएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित अवतरणों की सहप्रसंग व्याख्या करो। इसमें दोस्तों जो पहला अवतरण आपके सामने आया है वो है अलका ने तुरंत जवाब दिया से लेकर दोस्तों जो मैं मुक्ति कहती हूं वहां तक। दूसरा दोस्तों आप खो भी गए तो मैं खालिस्तान से लेकर मुट्ठी में दबाकर भगता है। तीसरा दोस्तों लड़ाई के समय चांद निकल खालिस्तान आज सब मारे जाते हैं। चौथा दोस्तों वास्तव राजकुमारी हंसी से खालिस्तान से हमें कुछ दिखता नहीं। पांचवा दोस्तों बलमन की यह खरोच है खालिस्तान से लेकर उत्तर उसके पास नहीं थे। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दो की। तो क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों नंदिता अलका व सुजान सिंह के चरित्र की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर तीन समाधिया कहानी वजय शंकर प्रसाद की विराम चिन्ह कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट करनी है। दोस्तों मैं कह सकता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद में चौथा दोस्तों अंशदान कहानी का नामकरण औचित्य को सिद्ध करते हुए कहानी का उद्देश्य उदाहरण सहित समझाओ। क्वेश्चन नंबर पांच स्वप्नमयी उपन्यास व स्मृतियों के पिता कहानी की तात्विक समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर छह कहानी में कथानक की विशेषताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर सात देश काल और वातावरण का उपन्यास में क्या महत्व है स्पष्ट करो। क्वेश्चन नंबर आठ प्रेमचंद की कहानी साहित्य की स्वदेशीयता पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर नौ बिसानी कहानी में व्यक्ति मन की कोमल भावना को उकेरा गया है समझाइए। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों और इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक उपन्यास घूल पौधों पर के शीर्षक के औचित्य पर दोस्तों आपको प्रकाश डालना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने बात की MGSU बीकानेर के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। MGSU से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब से जो भी बीए बीएससी बीकॉम के यदि दोस्तों कोई पेपर मिलेंगे तो लगभग आप मानकर चलिए वो फेसबुक से में मिलेंगे, आपको यूट्यूब में नहीं मिल पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मेरे भी एग्जाम स्टार्ट हो पा रहे हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। फेसबुक पर दोस्तों मैं आपको सीधे ही है वो फोटो प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से दोस्तों आप देख सकते हैं। तो चैनल के दोस्तों अबाउट लिंक पे जाकर हमारे फेसबुक को भी फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।